सब भगा रहे हैं गाड़ी, उससे साइटिंग हो रहे हैं। सब माग लटकड़ बच्चा नहीं बस। अभी देखते हैं इन्फ्लेट करके अगर कुछ होता है तो फिर आगे चल के जाके उसका टायर अभी चेंज करना पड़ेगा। अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो हम लोग निकले अराउंड 5 o'clock। आप लोग शायद थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो फॉर अ चेंज आज हम लोग कैंपिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। इन सब जगह पे हम लोग पहले बहुत जाते थे, बट रिसेंटली बहुत ज़्यादा कैंपिंग हो रहा था तो सोचा इस बार चलो कहीं और चलते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल हैप्पी फिट मेमोरीज। अभी थोड़ा स्ट्रेच ब्रेक के लिए हम लोग रुके थे तो पीछे देख सकते हो कि आप लोग ब्यूटीफुल सनराइज़ हो रहा है। स्कूबी को लेके देवज्योति थोड़ा घूम रहे हैं इधर उधर, देखो आप लोग कितना सुंदर लग रहा है ये सनराइज़। तो चलिए आगे चल के आपसे बात करते हैं, तब तक आप लोग थोड़ा रास्ते को देखिए। टाइम अभी 8:10, मैसूर जस्ट क्रॉस किए, भूख लगी है अभी तो। अभी रुके साइड पे, एक रेस्टोरेंट है, ये बहुत फेमस चेन ऑफ रेस्टोरेंट है, कामत मधुबन। तो खाली है, अच्छा है, थोड़ा पार्किंग स्पेस भी मिल गया है। और अभी मेरा बेटी सो रही है, अर्पिता में हम लोग दोनों ब्रेकफास्ट कर लेंगे, बेटी जब उठेगी उसको फिर बाद में खिला देंगे। तो गाड़ी में ही है अभी फ़िलहाल, उसको भी अंदर है, उसको निकालेंगे अभी। तो अभी तक जर्नी तो ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा, थोड़ा खाली सा रास्ता था, ठंड थी बाहर थोड़ा, अभी तो धूप आना शुरू हुआ। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ा अभी बात करते हैं। अभी देखते हैं इन्फ्लेट करके अगर कुछ होता है तो फिर आगे चल के जाके उसका टायर अभी चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं अब कितना टाइम लगता है, हम लोग जल्दी ही पहुँच जाते हैं बट अब इसके लिए शायद थोड़ा सा देर हो जाएगा। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया वहाँ पे, अच्छा ब्रेकफास्ट हुआ, इडली डोसा जूस फिर चाय सब कुछ ख़त्म करके फिर हम लोग गए थे अपना टायर सही करवाने। बट उनको कुछ पंक्चर तो मिला नहीं, एक छोटा सा ही शॉप था, उन्होंने चेक किया कुछ भी नहीं मिला उनको। फिर उसके बाद हम लोग फिर से टायर को इन्फ्लेट करके अभी फिर निकले हैं। तो अभी बाकी है ऑलमोस्ट 53 मिनट्स, आप लोग देख सकते हो 42 किलोमीटर्स, तो शायद 11:30 बजे के अंदर पहुंच जाएंगे होपफुली। तो इधर उतरे थे अभी रास्ते में बटर मिल्क पीने के लिए। बटर मिल्क जो होता है इज़ नथिंग बट हम हिंदी में छाछ बोलते हैं, छाछ। गर्मी में अच्छा लगता है, आप तो अर्पिता ने बोला पियेंगे, तो इधर रास्ते में रुक के अभी बटर मिल्क पी के भी। ये पूरा जंगल का ही रास्ता है, काबिनी की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली काबिनी एक बड़ा सा रिवर है,
कर्नाटका में, आजू बाजू जंगल है पूरा, बहुत ही फेमस है काबिनी का जो फॉरेस्ट है, जंगल है, टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इधर, साइटिंग भी बहुत ज़्यादा होता है काबिनी का। हमारा बहुत दिनों का मन था कि काबिनी आए, किसी बहुत कारणवश नहीं हो पाता कभी भी, तो इस बार उसी लिए हमने प्लान बनाया, चलो जो भी हो जाए पहले तो इधर अंदर थोड़ा एक 3 days का कुछ प्लान बनाते हैं, थोड़ा सफारी भी करेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो थैंकफुली उसी लिए हम लोग आ गए, आज दोनों छुट्टी लिए हुए हैं आज ऑफिस से। एंड हाँ, अभी ऑलमोस्ट दिख रहा है। तो अनदर 3 kilometers बाकी है, मतलब ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड, लेकिन ये वाला स्ट्रेच इज मडी रोड बेसिकली। बुकिंग सर, गाड़ी लास्ट ही लगेज ऊपर सर, इधर पार्किंग है और लगेज आने के लिए वो लड़का आएगा सर, आएगा लड़का आएगा। अच्छा, इधर डालने के लिए कहा, तो फिलहाल इधर पार्क करते हैं, फिर आगे चेक इन फॉर्मेलिटीज करके फिर बात करते हैं। तो अभी हमें अपना कॉटेज मिला, इन्होंने हमारा लगेज सारा शिफ्ट कर दिया, तो अब लेके जाते हैं आपको हमारे कॉटेज के अंदर। शायद ये लग रहा है ये कॉमन बारबेक्यू के लिए है जो शाम को ये लोग चलाते हैं, एंड दैट्स काबिनी रिवर बैकड्रॉप में, माउंटेन्स दिख रहे हैं दूर पे, हवा काफ़ी चल रहा है, पता नहीं आवाज़ आ ही रहा है कि नहीं। बच्चे के लिए खेलने के लिए थोड़ा इधर एक दो चीज़ें हैं जो मिसने के लिए हुई, इंजॉय। मेन कोर्स आ गया है, चपाती, चिकन मसाला, दाल फ्राई, व्हाट इज दैट, गोभी मंचूरियन, वेज पुलाव। लग तो रहा है अच्छा है खाना। हाँ, सूप वाज क्वाइट गुड। ठीक है, खाना खाते आगे दिखाते और क्या आता है इफ एट ऑल। ये है प्रताप, तो प्रताप हमको हेल्प कर रहा है, स्कूबी का खाना लेके रूम पे दे रहे हैं। तो इसके बाद अपना सफारी शुरू होगा 2:15 को ना प्रताप, 2:30 को अच्छा, तो 2:15 इधर से पिकअप होगा। ओके, पार्किंग में जा रहे हैं अभी, और उधर इधर का इनका कोई जाएंगे हमारे साथ, जहाँ से जेलर प्रॉपर्टी में जहाँ से शुरू होगा सफारी, फिर उधर ड्रॉप करेंगे, उधर से स्टार्ट होगा, फिर ख़त्म होने के बाद ये लेके भी आएंगे ऐसे ये बोल रहे हैं। देखते हैं अभी कितना बज रहा है, 2:23 हो गया। अच्छा चलो, तो निकलना पड़ेगा इधर से जल्दी, सब जा रहे हैं इधर, जितनी फैमिलीज आए हैं सब तो देख रहे जा रहे करके, बेटी उधर भाग रहे हैं सामने आगे उसको सबसे ज़्यादा हड़बड़ी है। हाँ ठीक है, चलिए आगे चल के बात करते हैं। तो अपना सफारी के लिए हम लोग तैयार फिर से, 2:26 अभी टाइम दोपहर को, टेम्परेचर देखिए ज़रा 39 इट इज शोइंग, इट्स वेरी वेरी हॉट। वेट कर रहे हैं, रिजॉर्ट से निकलेंगे तो उनका कोई बंदा आएगा अपने साथ, फिर जाएंगे इधर से।
हमें फाइनली जीप मिल गया, थैंकफुली पहुंच गया JLR प्रॉपर्टी। और ये हमारा जीप, फोर पर्सन है फिलहाल तो, और हमें बहुत अच्छा वाला सीट भी मिल गया, which we were wanting. There you go. प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है JLR का। हाँ, हम लोग वही बात कर रहे थे, शायद नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे इसको, इवेल्युएट करेंगे। लेकिन इधर पेट फ्रेंडली नहीं है, देखिए तो हमें पता है JLR का कोई भी प्रॉपर्टी पेट फ्रेंडली नहीं होता है। जब स्कूबी नहीं था, हमने दो बार ऑलरेडी रह चुके हैं दूसरे जगह पे, बहुत ही अच्छा होता है, बट लिमिटेशन हो जाता है कि पेट फ्रेंडली नहीं है तो उसे लिए नहीं मिलता है। तो इधर बहुत सारे जिप्स खड़े हैं, थोड़ा इधर कैंटर्स भी हैं, और इनका जो प्रॉपर्टी, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा इनका जो छोटा छोटा हट्स बने हुए हैं, और इनका जो एनवायरनमेंट है इट्स वंडरफुल। तो इसको एक बार डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे अगर स्कूबी का कुछ इंतज़ाम हो सकता है तो। थोड़ी देर पहले उस तरफ था, अभी घूम के हम लोग अंदर से आए दूसरी तरफ, that side, right? So this one, the forest. Yeah, correct, yeah, the straight forest, yeah, that's why not. This is Bandipur and this is Nagarhole where we are. राइट साइड में फॉरेस्ट है, हम लोग फॉरेस्ट के एज में से जा रहे हैं अभी, और इस तरफ है ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग, इसके उस तरफ गांव और खेती है, खेती है फिर उसके बाद गांव। हम लोग एकदम एजेस से हम लोग अभी जा रहे हैं। उसको देखा, बहुत जोर से चलाना शुरू किया ड्राइवर ने, सब भगा रहे गाड़ी, उससे साइटिंग हो रहे हैं, हो जाए कुछ अच्छा रहेगा, बहुत जबरदस्त चला रहे हैं, पूरा धूल मिट्टी उड़ रहा है, टेंस माहौल है। Thank you.
अच्छा लगा, ओवरऑल तो अच्छा लगा काफ़ी। हालांकि टाइगर लेपर्ड बियर तो देखने को मिला नहीं, लेकिन उम्मीद उतना नहीं था। हमें एक्सपीरियंस करना था, काफ़ी सारे एलिफेंट्स देखे जाते वक्त भी, लास्ट में जो एलिफेंट एक कप देखा भी अच्छा लगा। टायर्ड लग रहा है, जो सब जाएंगे गाड़ी पानी से खींच जाते हैं, जैसे गाड़ी उठाएंगे फिर जो जाएंगे फिर। और तो हम लोग रिजॉर्ट में लौट के आए, अभी इधर बैठे हुए हैं बाहर, थोड़ा चाय कॉफ़ी मंगवाए हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेके देखते हैं आगे क्या करते हैं। उसको भी बाहर आया, बहुत देर से अंदर था, तो उसको थोड़ा इधर टहलाया, इधर घूमा, फिर अभी खुश, तो थोड़ा चाय पी के विल सी व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट। हम लोग अभी सफारी से वापस आए, अभी हम लोगों ने चाय पिया, बिस्किट खाया, अभी थोड़ी देर बाद हमारा डिनर होने वाला है। तो हम लोग अभी डिनर करने आए हैं, टाइम हो रहा है 8:15 हो रहा है, डिनर करने आए हैं, जल्दी जल्दी डिनर करते हैं, थोड़ा जल्दी सो जाएंगे, आज रेस्ट लेंगे, नहीं अभी मूवी देखेंगे। हाँ, इनको तो बहुत कुछ करना है, अभी मूवी देखेंगे बोल रहे हैं। मूवी देखेंगे फिर सोएंगे, बिना मूवी देखे नहीं सोएंगे। इधर लाइट बहुत कम है, नहीं दिख रहा है। तो कल अपना मॉर्निंग का जो सफारी था वो हमने अभी कैंसिल किया, बोट सफारी था अपना, तो सुबह बहुत जल्दी सुबह उठना पड़ेगा। लास्ट टू नाइट्स वी हैवन स्लेप्ट, तो इसीलिए हम लोग सोचे कल मॉर्निंग सफारी को स्किप करना चाहिए, और आफ्टरनून को हमने फिर से नहीं कैंटर सफारी लिए हैं इस बार, वैन सफारी लिए हैं, सो ऑन रोड मतलब बोट नहीं लेंगे, क्योंकि बोट में थोड़ा सा लिमिटेशंस आ जाता है, लिमिटेशंस इन साइटिंग। आज देखा बोट को, सो उतना हमें खास नहीं लगा, तो जो ऑन रोड हैं आई थिंक दैट इज़ फार बेटर, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, सो वी विल जस्ट सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। सो व्हाट डू वी हैव, इधर वेज सूप है, राजमा मसाला, ये वेज पुलाव टाइप कुछ है, राजमा, ये राजमा मसाला था, स्टीम राइस, स्टीम राइस, इट्स ओके, रसम, दिस इज रसम, ये कढ़ाई चिकन, ओके, चपाती रेडी हो रहा है, सलाद, और ये कुछ विद डिश है, ये क्या नाम है भैया? दाल पायसम सर। दाल पायसम, ओके। तो टाइम हो रहा है अभी 10:15 एंड डिनर हो गया है, हम लोग ऐसे ही थोड़ा टहल रहे थे, अभी टायर्ड हो गए, अभी शायद अभी सोना पड़ेगा, अभी कल रात को भी बहुत सोए नहीं है, अर्ली मॉर्निंग जगे थे, आए दोपहर को सफारी किए, अपना दिन पूरा अच्छा, बहुत अच्छा बीता। तो कल सुबह का अपना सफारी हमने कैंसिल किया, लेकिन दोपहर को जाएंगे, और कल थोड़ा सा इधर अच्छी तरह से टाइम बिताएंगे, आराम से उठेंगे एंड विल हैव ब्रेकफास्ट एंड स्पेंड सम टाइम हियर, आसपास देखते हैं कल क्या होता है, सुबह थोड़ा जाने का मौका मिलता है तो वो करेंगे। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, एंड आई होप यू गाइज हैव एन्जॉयड, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, मैं सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ताकि आप लोग देख पाए एंड आप लोग आ पाए इधर, प्लान कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड रिकमेंडेड प्रॉपर्टी फॉर फैमिली एंड ऑल्सो फॉर एवरी वन बेसिकली। तो चलिए, शायद ये लंबा हो गया है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वाला कल के दिन अगले नेक्स्ट एपिसोड में आपको आपके पास पेश किया जाए। तो अंटिल दैट टाइम और अंटिल नेक्स्ट ब्लॉग, थैंक यू एंड गुड नाइट एंड सी यू सून, बाय बाय।